नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। चंडीगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद कहा, पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर 22 अगस्त के बाद सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखेगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री अनूप धानक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सरकारी खरीद को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने बताया, पाइप्स खरीदने का टेंडर भी फाइनल किया गया। कुल 3 टेंडर फाइनल किए गए। कुल मिलाकर 200 करोड़ का सामान खरीदा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर हित स्टोर के लिए लॉजिस्टिक कंपनी का टेंडर फाइनल किया गया। सभी स्टोर को इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और सामान की डिलीवरी के लिए भी कंपनी काम करेगी। सीएम ने कहा कि ग्राम विकास के लिए 5000 पॉकी मशीन खरीदी गई है, ताकि बारिश के मौसम के बाद इसे इस्तेमाल किया जा सके और स्वास्थ्य विभाग समय से अपना काम कर सके। 15 अगस्त को लेकर धमकी भरी कॉल पर सीएम ने कहा कि उनके पास सीधी कोई कॉल नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा लोकसभा विपक्ष ने पेगासस समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करीब 40 मिनट तक हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। विपक्षी सदस्यों ने जासूसी करना बंद करो, खेला हो गया और प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के चाट पापड़ी वाले ट्वीट पर राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी नेता पर भड़कते हुए इसे संसद का अपमान बताया। विपक्षी एकता को दिखाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सियासी दलों को नाश्ते पर बुलाया। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता पहुंचे। मीटिंग में पेगासस जासूसी और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं, पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। राहुल गांधी ने जिन सियासी दलों को बुलाया था उनमें आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गायब दिखी। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कहीं की कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने चाय पार्टी पर कुनबा जोड़ा। गृहमंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये जितनी भी पार्टियां जब जब सत्ता में रहीं तब तक अपना सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा पाई और आज ये विपक्ष का धर्म ही निभाने में नाकाम है। विज ने कहा कि विपक्ष का काम जनता के मुद्दों को लोकसभा में उठाना होता है, लेकिन ये पूरी तरह से फेल है। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। किसान संसद में शामिल हुए, आंदोलन और किसानों की मांगों का समर्थन किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कई सांसद मौजूद थे। करनाल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। जुंडला के सरकारी गोदाम में सड़ रही गेहूं की फसल की खबर दिखाने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और भारतीय खाद्य निगम की टीम गोदाम पहुंची। पानीपत में कॉलोनियों में जलभराव की समस्या दूर नहीं हो रही है। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते वार्ड नंबर 26 में सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव के चलते सड़कें तालाब में तब्दील होती दिखाई दी। निगम के डिप्टी सीनियर मेयर ने भी इसे गंभीर समस्या माना, कहा कि पूरा शहर इस समस्या से परेशान है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सीवरेज दबाए जाएंगे ताकि पानी निकासी का स्थायी समाधान किया जा सके। कैथल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई दिन से बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल में आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्कूल के मेन गेट पर ही सीवरेज का गंदा पानी और बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चों के माता पिता भी स्कूल संचालकों को इसकी शिकायत कर चुके हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान ने बताया कि हमने कई बार नगर परिषद विभाग को इसकी शिकायत की है। भिवानी में इस बार खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना है। कृषि विभाग का अनुमान है कि समय पर बारिश होने की वजह से जिले में बंपर फसल होगी। कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस बार किसानों को दलहन की फसल बोने के लिए जागरूक किया गया। सरकार को दूसरे देश में दाल आयात करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार दाल की फसल अच्छी होगी।
पंचकुला में शहरवासियों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा, अब सब्जियों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी है। सब्जियों के दाम में करीब 40 से 50 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई। टमाटर का दाम 40 से बढ़कर 80 रुपए हो गया। मटर 130 रुपए प्रति किलो और फूल गोभी 110 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई। उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली। टीम इंडिया के पास अभी मेडल जीतने का मौका है। टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। मैच में बेल्जियम ने आक्रामक शुरुआत की, उसे पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला। 0-1 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की और बेल्जियम पर 2-1 की बढ़त बनाई। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किया। पहला गोल हरमनप्रीत ने 7वें और दूसरा गोल मनदीप ने 8वें मिनट में किया। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और अगले गेम के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया कि टीम ने अच्छा मैच खेला, खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया और हम टीम के साथ हैं, अभी भी एक मैच खेलना बाकी है। 15 अगस्त को ओलंपिक खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी। ओलंपिक खिलाड़ी बनेंगे लाल किले में विशेष अतिथि। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता, प्रधानमंत्री ओलंपिक खिलाड़ियों को न्योता भेजेंगे। भारत को रेसलिंग में भी निराशा मिली। सोनम मलिक फ्री स्टाइल का मुकाबला हार गई। उन्हें मंगोलिया की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। सोनम मलिक सोनीपत की रहने वाली थी। सोनम मलिक की हार के बाद उनके पैतृक गांव मदीरा में मायूसी छा गई। गांव वालों के चेहरे लटक गए। सोनम के कोच को उम्मीद थी कि सोनम टोक्यो ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। सोनम मलिक के मुकाबले से पहले उनके माता पिता अपने कुलदेवी देवताओं की दिन रात पूजा कर रहे थे। सोनम के कोच के साथ ही और पहलवान खिलाड़ी भी अखाड़े में हवन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में कठुआ के पास भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कठुआ में रणजीत सागर डैम की झील में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उधर घटना के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। टीमें झील के पास पहुंच गई। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर डैम इलाके के पास कम ऊंचाई का राउंड ले रहा था, तभी क्रैश हो गया। कश्मीर में बांदीपुरा के चंदाजी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को ढेर किया। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस सीआरपीएफ और सेना ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। नू में 3 दिन से पनगवा पावर हाउस से जुड़े 15 गांवों में बिजली और पानी का संकट बना हुआ है। बारिश के दौरान बिजली गिरने से पावर हाउस खराब हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारी पिछले 3 दिन से खराब हुई केबल और ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए दिन रात जुटे हुए। पनगवा कस्बा और इससे जुड़े गांवों को तकरीबन 2-2 घंटे दूसरे ट्रांसफार्मर से बिजली मुहैया कराई जा रही है। बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि केबल में फॉल्ट आने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। फिलहाल पुरानी केबल को ही दुरुस्त किया जा रहा है, जल्द नई केबल की व्यवस्था करा दी जाएगी। फरीदाबाद में कई सब्जियां दोगुने रेट पर मिल रही हैं। एक सप्ताह में सब्जियों के दाम आसमान छूने की वजह से लोगों का बजट भी बिगड़ रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से बरसात के बाद पहाड़ी इलाकों में आने वाली सब्जियों का नाना और खेतों में पानी भरना, डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम मानी जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में आईओ बिल्डर की मनमानी के खिलाफ रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे लोगों ने मेंटेनेंस के नाम पर गबन का आरोप लगाया और आरडब्ल्यूए को भंग करने की मांग की। लोगों ने कहा कि पिछले 2.5 साल से समस्याओं को लेकर चक्कर काट रहे हैं अधिकारी, समस्या दूर करने के बजाय सिर्फ आश्वासन देते हैं। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आईडीओ बिल्डर ने पिछले 2.5 साल में ना तो फायर एनओसी लिए और ना ही सोसाइटी में सुविधाएं दी हैं। अभी भी सोसाइटी में करोड़ों रुपए का काम बाकी है। भवानी खड़ा से टिकरी बॉर्डर तक डाक कावड़ यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। कुंगड़ गांव के बाद तालू गांव के युवाओं ने टिकरी बॉर्डर के लिए गांव से डाक कावड़ यात्रा निकाली।
युवाओं में डाक कावड़ यात्रा को लेकर जोश देखा गया। युवा हाथों में तिरंगा और गांव का मिट्टी पानी लेकर किसान एकता और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दौड़ में शामिल हुए। युवाओं ने कहा कि अब टिकटी बॉर्डर किसान आंदोलन स्थल न होकर किसान धाम बन चुका, आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है, इसलिए अब सरकार को हाल में तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। पलवल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान विधायक दीपक पंगला, प्रवीण डाकर ने हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। उचाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहीदी तिरंगा यात्रा निकाली। रेलवे स्टेशन से पुराना बस अड्डा और नेशनल हाईवे तक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में उचाना से बीजेपी के बड़े नेता शामिल नहीं हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह और उचाना की पूर्व विधायिका प्रेमलता यात्रा का हिस्सा नहीं बने। कई दिनों से घग्गर में बढ़ रहे पानी के स्तर को लेकर चिंताएं अब कुछ कम हुई हैं। पानी का स्तर अब घटा है, जिसके चलते स्थिति फिलहाल नियंत्रित है। हालांकि दो दिन पहले किसान अपने अपने स्तर पर बांध बना रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते घग्गर नदी में पानी का स्तर काफी ऊपर आ गया था। अंदरूनी बांध भी टूट गया था, जिसके चलते करीब 50 गांवों में बाढ़ का संकट बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रित है। घग्गर में जलस्तर काफी नीचे हो गया है, इससे ग्रामीणों को राहत है। फरीदाबाद इलाके में यमुना से सटे गांव में जलस्तर बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में जो लोग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं, उनके घरों में सबसे पहले पानी घुसता है। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में हर साल पानी आता है और हर साल लोगों को अपने मकान खाली करके किराए के मकानों में या फिर दूसरी जगह पर रहने पड़ते हैं। इस बार भी पानी छोड़े जाने से यहाँ के लोग चिंता में हैं, क्योंकि धीरे धीरे पानी उनके घरों में पहुंच रहा है। 28 जुलाई को अथनीकुंड बैराज से 1.32 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो यहाँ आते आते 27,000 क्यूसेक रह गया था। यमुना नदी में बेशक जलस्तर खतरे के निशान के आसपास नहीं है, लेकिन प्रशासन अलर्ट हो गया है। सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुख्य गेट से लेकर इंक्वायरी और तीन कमरों में काम करने वाले कर्मचारी बिना मास्क के ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 7 ब्लॉक डीईओ कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, जहां से 7 ब्लॉक के काफी लोगों का सीधा संपर्क यहाँ कर्मचारियों से होता है। कोविड के प्रति लापरवाही बड़े विस्फोट को अंजाम दे सकती है। दिल्ली सरकार ने विधायकों की तनख्वाह में बंपर बढ़ोतरी का फैसला लिया है। नए फैसले के मुताबिक अब दिल्ली की एक विधायक को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें सैलरी और भत्ता शामिल है। दिल्ली कैबिनेट के मुताबिक अब विधायक की हर महीने सैलरी 30,000 रुपए होगी, पहले ये 12,000 रुपए तक थी। वेतन भत्ता मिलाकर ये सैलरी 90,000 रुपए हो जाएगी। दिल्ली में विधायकों की सैलरी में पिछले करीब 10 सालों से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। दिल्ली कैबिनेट का पास किया गया नया प्रस्ताव अब केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सावन मास के दूसरे सोमवार को सोनीपत में 900 साल के प्राचीन शंभूदयाल मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का ध्यान कर आराधना की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूल खोलने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से बच्चों की कोरोना जांच और अध्यापकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। खैरपुर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय समेत सभी सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अभियान शुरू किया। जिन अध्यापकों को कोरोना का टीका नहीं लगा था, उनका टीकाकरण किया गया, साथ ही बच्चों की कोरोना जांच शुरू की गई। बच्चों की जांच के लिए कुल 18 टीमों का गठन किया गया। ये टीमें प्रत्येक स्कूल में जाकर प्रतिदिन 100 बच्चों के सैंपल लेंगी। खैरपुर स्कूल में अब तक 150 बच्चों के सैंपल लिए जा चुके हैं। फरीदाबाद के कोरी गांव के बाद अब गुरुग्राम और आसपास के अरावली क्षेत्र पर बने अवैध रूप से फार्म हाउस और कब्जों पर जल्दी कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए गुरुग्राम वन विभाग ने अवैध फार्म हाउस और कब्जों का सर्वे एक बार फिर से करना शुरू कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अरावली के क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से निर्माण हुए हैं, उनको जल्द से जल्द जमींदोज किया जाए। अरावली क्षेत्र में 500 से अधिक फार्म हाउस हैं, जिसमें से पिछले दिनों 430 अवैध फार्म हाउसों को चिन्हित कर उनकी सूचना भी सोना नगर परिषद को सौंप दी गई थी। नगर परिषद ने 330 को नोटिस भी जारी किया था। करीब 40 अवैध फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। 11वीं सदी के राजा अनंगपाल तोमर को 8 अगस्त के दिन गांव अनंगपुर में प्रतिमा का अनावरण उनका किया जाना है, लेकिन उससे पहले राजपूत और गुर्जर समाज के बीच इतिहास के साथ छेड़छाड़ को लेकर विवाद छिड़ गया है। राजपूत समाज की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें गुर्जर समाज पर उनके वंशज राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय को गुर्जर सम्राट का नाम दिया जा रहा है।
राजपूत समाज के लोगों का ये कहना है कि उन्हें प्रतिमा के अनावरण से कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रतिमा पर लिखे जाने वाले नाम के आगे गुर्जर शब्द को हटाया जाए। नू में एक दंपति का रास्ता रोककर चार युवकों ने महिला का अपहरण किया, महिला के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपियों ने महिला की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 30,000 रुपए की डिमांड की, डिमांड पूरी न करने पर आरोपियों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दी जाने वाली राशि रिलीज कर दी गई है। साल 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर 78,40,000 की राशि जिले के 41 खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शूटर सरबजीत सिंह को खेल विभाग की ओर से 29.75 लाख रुपए राशि मिली है। अंबाला के जिला खेल अधिकारी का कहना है कि राशि अगले 3-4 दिनों में खिलाड़ियों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। भवानीखेड़ा के बैंक के पास से हुई बाइक चोरी की घटना का वीडियो सामने आया, जिसकी पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। शहर और आसपास के क्षेत्र में पड़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। यमुनानगर में बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार लूटी, जिसमें कार की बुकिंग की थी। उसी युवक ने रास्ते में आते हुए देसी कट्टा तानकर पहले तो पिटाई की और फिर गाड़ी को लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद ड्राइवर ने आसपास किसी ढाबे पर पहुंचकर पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। पलवल में बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। वकीलों का कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक जज्जर बार एसोसिएशन के विधान पर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को रद्द नहीं किया जाता है। हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए बार के प्रधान ने बताया कि जज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान अपने किसी परिचित से मिलने सामान्य अस्पताल गए थे, जहां डॉक्टर और स्टाफ ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु देश वापस लौट चुकी हैं। एयरपोर्ट में उतरते पीवी सिंधु का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस उपलब्धि से खुश हूं, देश का नाम रोशन करने के लिए मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूं, लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, मैं बहुत उत्साहित हूं, लोगों का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि वो पदक जीत कर आई हैं, इसलिए अब वो पीएम मोदी के साथ आइसक्रीम खाएंगे। सिंधु का दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। गुरुग्राम में सेक्टर 37 इलाके में बैडमिंटन अकेडमी के पास युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक मौके से कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। बल्लभगढ़ की नथ कॉलोनी में महिला संदिग्ध हालत में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला को नशीला पदार्थ खिलाया गया। महिला के पास से मिले कागजात के मुताबिक महिला का डबुआ कॉलोनी की रहने वाली को बताई जा रही है। अभी महिला के परिजनों संपर्क नहीं हो पाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस, 24 घंटे में सामने आए 30,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,70,00,000 के पार। देश में एक दिन में 420 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में एक्टिव केस 3,98,000 पार। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक, एक दिन में सामने आए 14 नए मरीज, एक मरीज ने गवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,69,000। सीबीएसई के 10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। सीबीएसई बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल 10वीं में कुल 99.04% छात्र पास हुए। 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र सीबीएसई रिजल्ट.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।